और ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए नियुक्त स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने वाराणसी की सिविल जज की अदालत में अपनी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी है और दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तीनों गुंबदों के नीचे शंकुकार शिखर नुमा आकृति मिली है और उन पर स्वास्तिक त्रिशूल के चिन्ह भी दिखे गए हैं। वजू खाना में शिवलिंग जैसी आकृति मिलने पर भी दावा किया गया है। अब सर्वे रिपोर्ट के खुलासे के बाद असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कई मुस्लिम नेताओं ने भड़काऊ बयान दिए हैं। ओवैसी ने सवाल उठाया कि लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए बिना कैसे मीडिया के पास रिपोर्ट चली गई। ओवैसी ने यह भी कहा है कि लोअर कोर्ट के ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगाए। ओवैसी की तरह समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है कि ज्ञानवापी पर मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। ज्ञानवापी में शिवलिंग मिला, हिंदू प्रतीक चिन्ह मिले, लेकिन ओवैसी साहब को पसंद नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है, तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? ज्ञानवापी में डमरू, नाग और त्रिशूल मिले, लेकिन ओवैसी ने आपत्ति जताई। इंतजामिया कमेटी के पास रिपोर्ट नहीं है, कैसे रिपोर्ट चलेगी? आखिर आप बताना क्या चाह रहे हैं? ज्ञानवापी में देवी देवताओं की कलाकृति, सनातन संस्कृति मिली, लेकिन मुस्लिम नेता ओवैसी को रास नहीं आया कि लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर हुआ है उस पर मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे। खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा साबित करने के चक्कर में असदुद्दीन ओवैसी इन दिनों आक्रामक है। ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर के जो निशान मिले, उन निशान को धत्ता बताने में असदुद्दीन ओवैसी सबसे अव्वल नंबर है। ओवैसी ने अब समय से पहले सर्वे रिपोर्ट आउट होने पर सवाल खड़े किए हैं। ओवैसी ने रिपोर्ट बनाने वालों पर सवाल उठाए, कहा कि रिपोर्ट बनाने वाले ही निष्पक्ष नहीं थे। कोर्ट को रिपोर्ट पेश नहीं होती, नंबर वन। जिस सर्वे की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, जिस कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मुखालिफत इंतजामिया कमेटी ने की, तो इंतजामिया कमेटी की मुखालिफत करना सही साबित हुआ नहीं हुआ? जिसको पेटिशनर ने कहा कि इसको बना दो, जिसको इंतजामिया कमेटी कहा कि इसको मत बनाइए, सर्वे मत कराइए, उसी ने रिपोर्ट लीक कर दी और पूरे टीवी चैनल्स पर उस रिपोर्ट को दिखाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट उसमें अपना फैसला सुनाने वाला है, तो क्या मजाक हो रहा है? कोई बताइए आप, कैसे बगैर कोर्ट को, लोअर कोर्ट को रिपोर्ट दिए मीडिया के पास रिपोर्ट कैसे चले गई? इंतजामिया कमेटी के पास रिपोर्ट नहीं है। हमारा प्रेयर सिर्फ यही है कि लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर हुआ है उस पर मुकम्मल सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे, मुकम्मल इंसाफ करे, बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं है। यही तो प्रेयर है सुप्रीम कोर्ट में। एक तरफ ओवैसी है और दूसरी तरफ वो हिंदू आस्था जो ज्ञानवापी के साथ अभी से नहीं बल्कि सदियों से जुड़ी है। ज्ञानवापी में ऐसा बहुत कुछ है जिसे देखकर हिंदू पक्ष को लगता है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। सिविल कोर्ट के ऑर्डर पर ज्ञानवापी का सर्वे हुआ तो वजू खाना के फव्वारे में शिवलिंग मिला। ज्ञानवापी का सच 1500 फोटोग्राफ्स और 32 GB के 8 चिप में भरे वीडियो के रूप में कोर्ट को सौंप दिया गया है। पहले कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा ने 2 पन्ने की रिपोर्ट दी तो स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने 12 पन्ने की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में जमा की। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की रिपोर्ट के पेज नंबर 8 पर साफ साफ लिखा है कि ज्ञानवापी के वजू खाना के बीचों बीच कुंड का पानी निकालने पर वहां एक बड़े शिवलिंग जैसी आकृति मिली है जिसके ऊपर अलग तरह के मटेरियल का पत्थर चिपका है जिन पर 5 खांचे बने हुए हैं। वजू खाना के कुंड से मिली इसी आकृति को हिंदू पक्ष पवित्र शिवलिंग बताता है। जहाँ पे नमाज अता करते हैं वहां की दीवारों पे भी त्रिशूल और बाकी और हिंदू धर्म से जुड़े हुए निशान स्पष्ट नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत हो गया है और साथ ही इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जिसे मुस्लिम पक्ष के द्वारा फव्वारा बताया जा रहा है उसमें कहीं और कोई सुराख नहीं है, पानी निकलने या जाने का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ ऊपर से 63 सेंटीमीटर का एक छेद है जो कि ऊपरी लेयर जो है अलग से जो पत्थर लगाया गया है शायद वहीं तक सीमित है और इससे साफ साफ ये जाहिर होता है कि ये एक ही पत्थर का आकृति है और बिल्कुल ये शिवलिंग की तरह है। कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट के पेज नंबर 4 में मंदिर के ऊपर मस्जिद के गुंबद बनाने का जिक्र है। पेज नंबर 4 पर साफ साफ लिखा है कि मस्जिद के बाहर से दिखने वाले गुंबद के भीतर
शंकुकार शिखर नुमा स्ट्रक्चर है, यानी मंदिर के शिखर पर ही मस्जिद का गुंबद बनाया गया है। इसी पेज के नीचे से दूसरा पैरा देखिए, इसमें लिखा है कि स्विच बोर्ड के नीचे त्रिशूल की आकृति पत्थर पर खुदी हुई पाई गई है। बगल की अलमारी पर स्वास्तिक की आकृति खुदी हुई पाई गई है, हालांकि मुस्लिम पक्ष इसे ताखा कह रहा है। उत्तरी दीवार पर डमरू और पूर्वी दिशा की दीवार पर त्रिशूल बने हुए हैं, क्या आपने देखा था ये सब है वहाँ पे? त्रिशूल है, डमरू है, ओम है, श्री है, हम देखने की बात नहीं है, कोई भी जाकर पीछे भी देख सकता है। पीछे के जो बड़े विशाल पत्थर लगे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं, उसमें भी ओम बना हुआ है, स्वास्तिक बना हुआ है, तो वो कौन झूठ लाएगा, ये उसको मिटा भी अब नहीं मिटा सकते। सर्वे रिपोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर मंदिर को लेकर जिन सबूतों का जिक्र है वो आज के नहीं है। इन सबूतों की दुहाई दशकों पहले भी दी गई थी, लेकिन तब कुछ नहीं हुआ, ज्ञानवापी का मसला लटकता चला गया। सर्वे से मिले सबूतों के बाद भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो सब कुछ झुठलाने पर आमादा हैं। रिपोर्ट को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी पर मुसलमान अपनी जान कुर्बान कर सकते हैं। आज की बनी हुई है कुतुब मीनार और ये ज्ञानवापी मस्जिद जो है तो आज की बनी हुई है, तो आज उसमें शिवलिंग निकल गया, ये बिल्कुल झूठे बातें हैं, झूठे प्रोपेगेंडे हैं, इसको हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अच्छा सांसद जी, और मैं सारे मुसलमानों से भी कहूँगा कि मुसलमान इस पर सरजोल के बैठें और इसका अपने मुस्तकबिल के लिए और मुल्क के लिए सोचें। जिस तरीके से मस्जिद पे सील करने की भी कोई मांग की जा रही है हिंदू समुदाय के लोगों से शिवलिंग निकलने के बाद, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? शिवलिंग कोई मस्जिद की सीलिंग नहीं कर सकता, हमारी जानें कुर्बान हो जाएंगी उस पर। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखानों में भी ऐसे कई सबूत मिले हैं जो वहाँ मंदिर होने की गवाही देते हैं। पहले तहखाने में पान के पत्ते का निशान मिला, पान के पत्ते के आकार के फूल मिले हैं, घंटी कलश और फूल की आकृति मिली, दरवाजे के पास भगवान की फोटो भी मिली है। दूसरे तहखाने में मलबा भरा था, लेकिन तहखाने का मुख काशी विश्वनाथ की ओर है। अंदर के दूसरे खंभे पर त्रिशूल बना मिला, पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक और कमल के तीन फूल मिलने की बात है, कमल की पंखुड़ी और स्वास्तिक के निशान मिले, दोनों तरफ के खंभों पर घंटी कलश और फूल मिले, इसी तहखाने में छत के पत्थर पर स्वास्तिक मिला है, तीसरे तहखाने की पश्चिमी दीवार पर हाथी के सुंड का चिन्ह मिला, यहाँ भी दीवार पर स्वास्तिक त्रिशूल और पान मिले, भारतीय मंदिर शैली वाली घंटियां भी मिली हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।